वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई थोर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है गोर से, और मूवी में वो जिस प्लैनेट पर हमें दिखाया जाता है वो प्लैनेट पूरी तरह से बंजर हो चुका था, और जो उसकी बेटी थी वो ऑलमोस्ट उसके सामने मर चुकी थी। और जिसके बाद गोर बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसने अपने परिवार को खो दिया होता है। और उसी समय पर वहाँ दो गोड्स की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर कि एक गोड मारा जाता है और जो दूसरा गोड था वो वही गोड था जिसकी पूजा गोर और उसकी स्पीसीज के लोग करते थे, और उसके पास नेकलेस वर्ड भी होती है। पर उस टाइम पर गोर बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी और जिन गोड्स की वो पूजा करता था वो उसे बचाने के लिए आए नहीं थे। और तभी गोर नेकलेस वर्ड उठाता है और उसी गोड को मार देता है, और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो अब किसी भी गोड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे गोर बाकी गोड्स को भी मारने लगता है, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेन फोस्टर पर, और जहाँ पर दिखाया जाता है कि जेन फोस्टर को स्टेज 4 का कैंसर है और वो एरिक सेल्विक के साथ मिलकर ट्राई कर रही होती है कि वो ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें कि जो जेन फोस्टर है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, और उसने एक बुक भी लिखी है जो कि थी द फोस्टर थ्योरी। और साथ ही कुछ साल पहले के हमें सीन दिखाए जाते हैं जेन और थोर के, जहाँ पर कि वो एक साथ रहते थे, पर जो थोर था वो एवेंजर्स के कामों में ज़्यादा बिजी रहता था, जिसके बाद जेन थोर से ब्रेकअप कर लेती है। और उसी टाइम में थोर ने अपने म्यूनिर से कहा था कि वो जेन को हमेशा प्रोटेक्ट करे। और उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि जेन न्यू एसगार्ड जाती है और वहाँ पर जेन को टूटा हुआ म्यूनिर दिखाई देता है, और जिसके बाद जो म्यूनिर के पार्ट रहते हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं और जो जेन रहती है वो माइटी थोर बन जाती है वहाँ पर। और वहीं दूसरी तरफ एक प्लैनेट दिखाया जाता है जिसके गोर्ड को गोर ने मार दिया होता है, और जिसकी वजह से उस प्लैनेट पर इन्वेटर ने हमला कर दिया था। और तब वहाँ पर गार्डन ऑफ द गैलेक्सी और थोर उस प्लैनेट को बचाने के लिए पहुँचते हैं, और जिसके बाद थोर उस प्लैनेट को बचा लेते हैं। और जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो थोर रहता है वो कहता है वो अपनी डेस्टिनी खुद चुनेगा, और जिसके बाद गार्डन्स और थोर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और साथ ही उस प्लैनेट के लोगों ने थोर को दो गोट्स भी गिफ्ट करी होती हैं, और उसके बाद थोर को लेडी सिप उससे एक मैसेज मिलता है जिसमें वो थोर को गोर बिचर के बारे में बता रही होती है। फिर थोर लेडी सिप को ढूंढने निकलता है और एक प्लैनेट पर पहुँचता है जहाँ पर कि उसे लेडी सिप मिलती है, और जिसके बाद थोर लेडीशिप को लेकर अर्थ पर आता है जहाँ पर कि न्यू एसगार्ड था। पर वो जाकर देखता है कि जो गोर था उसने न्यू एसगार्ड पर भी हमला कर दिया था। और इसी बीच थोर को म्योनिर दिखता है जो कि जेन के पास होता है, जो कि उस टाइम पर माइटी थोर होती है, और उस फाइट में गोर हारने लगता है और वो वहाँ के कुछ बच्चों को किडनैप कर लेता है। और जिसके बाद जो बच्चे किडनैप हुए थे उनमें से एक हेमडाल का भी बच्चा होता है, और उसमें भी हेमडाल की तरह सेम पावर होती है, और जिनकी हेल्प से थोर को पता चलता है कि गोर सभी बच्चों को लेकर शैडो लेयर में गया होता है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क प्लैनेट होता है, और गोर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो थोर एक टीम बनाने की सोचता है, जिसके बाद थोर वल्कायरी और जेन के साथ टीम अप करके और ओमी पटेल सिटी में जाता है, जहाँ पर कि उसे जीवस से मदद मांगनी थी। पर वहाँ पर जीवस जानता था कि जो नेक्रोस वर्ड है वो उसे मार सकती है, तो उसके बाद जीवस गोर से लड़ने के लिए मना कर देता है, और वो फिर थोर की मदद नहीं करता। और साथ ही जीवस थोर को भी अलाउ नहीं करता कि वो गोर से जाकर लड़े, क्योंकि जो ओमनीपोटेंट सिटी थी उसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता थी। पर जब थोर गोर का सामना करेगा तो वो अपनी स्वर्ड की हेल्प से उसकी लोकेशन गोर को पता चल जाती, जो कि जीवस के लिए सेफ नहीं था। और साथ ही जीवस बताते हैं थोर को जो गोर है वो नटर्निटी के पास जाना चाहता है, जो कि अर्थ के सेंटर में है, और जो भी वहाँ पर जाएगा ट्रिनिटी उसकी एक विश पूरी करेगी। और जिसके बाद वेलकरी कहती है अगर हमें जीवस की थंडर बोल्ट मिल जाए तो हम गोर का सामना कर सकते हैं, क्योंकि थंडर बोल्ट स्ट्रॉम बेकर और एक्रोस्वेट जितनी पावरफुल थी। और जिसके बाद जीवस और थोर की टीम की वहाँ पर फाइट होती है, और इसी फाइट में जीवस गोर की बॉडी को तबाह कर देते हैं, पर जो थोर रहता है वो भी जीवस को घायल कर देता है। और जिसके बाद वेलकरी को थंडर बोल्ट मिल जाती है, और उसके बाद थोर और उसकी टीम पहुंचती है शैडो रियलम में, जहाँ पर कि वो सारे बच्चे होते हैं, और वहीं जेन को पता चलता है जो गोर है उसे थोर का स्ट्रॉन्ग ब्रेकर चाहिए ट्रिनिटी के दरवाजे को खोलने के लिए। और उसके बाद गोर का सामना थोर माइटी थोर और वेलकरी से होता है, और इस फाइट में वेलकरी इंजर्ड हो जाती है और गोर को स्ट्रॉन्ग ब्रेकर भी मिल जाता है, और थोर वेलकरी को बचाने के लिए वापस अर्थ पर जाता है,
जो वापस अर्थ पर पहुंचते हैं। तो थोर को पता था कि जेन को कैंसर है, और जिसके बाद थोर को पता चलता है जो जेन थी वो म्यूनीर के बार बार यूज करने से और ज्यादा बीमार होती जा रही थी, जिसके बाद जो थोर रहता है वो जेन से म्यूनीर का यूज करने के लिए मना कर देता है, और जिसके बाद थोर इटर्निटी की ओर चला जाता है गौर को रोकने के लिए। और जब थोर वहाँ पर पहुँचता है तो थोर के पास थंडर बोल्ट होता है, और तभी वहाँ पर सारे बच्चों को वो अपनी पावर देता है ताकि वो सभी मिलकर गौर के शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। और इसके बाद थोर और गौर में फाइट होती है, पर इस फाइट में थोर हार रहा होता है क्योंकि गौर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और तभी जो जेन होती है वो माइटी थोर बनकर वैलकरी के घोड़े से वहाँ पर आती है और गौर पर अटैक करती है, और थोर वहाँ पर ट्राई करता है स्टॉर्मब्रेकर से ट्रिनिटी का गेट ना खुले पर देर हो जाती है। फिर माइटी थोर नेक्रोस्वर्ड को तोड़ देती है, पर उसके बाद नेक्रोस्वर्ड के पार्ट अपने आप ही जुड़ रहे थे, तो उसके बाद माइटी थोर यानी जेन उन स्वर्ड्स के पार्ट को अपने म्यूनीर के अंदर असेंबल कर लेती है। और उसके बाद जब जेन म्यूनीर को होल्ड करती है तो जेन की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और जिसके बाद थोर स्टॉर्मब्रेकर को एक्सल को दे देता है, जिसके बाद वो सभी न्यू एसगार्ड पहुँच जाएँ। और उसके बाद थोर जेन के पास जाता है, और दूसरी तरफ जो गोर रहता है वो नेक्रोस्वर्ड के टूटने के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और उसके बाद वो जैसे तैसे इटर्निटी गेट के अंदर पहुंचता है, और थोर और जेन भी अंदर आ जाते हैं, और वो गोर को समझाते हैं कि वो सभी गोर को ना मारे बल्कि अपनी बेटी को वापस ज़िंदा कर ले। और वहीं जेन भी मर रही होती है और गोर भी, और गोर उनकी बात मान लेता है, वो अपनी बेटी को ज़िंदा कर लेता है वहाँ पर। और वहीं जेन की डेथ भी ओडिन की तरह होती है, जो कि इस मूवी का एक इमोशनल सीन था। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है न्यू एसगार्ड का, जहां पर कि वैलकिरी उन सभी बच्चों को ट्रेंड कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है थोर और गौर की बेटे का, जहां पर कि गौर की बेटी के पास भी गॉड लाइक पावर थी। और मूवी के एंड में थोर और उसकी बेटी एक बैटल में हिस्सा लेते हैं, और जहां पर थोर के पास म्योनीर और गौर की बेटी के पास स्टॉर्म ब्रेकर होता है, और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें इसका एक मिड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो ज्यूस था वो नाराज़ था थोर से, और वो थोर को मारना चाहता था, जिसके लिए वो अपने बेटे हरकुलस को बुलाता है। और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया जाता है जो जेन है वो वैलहेला में पहुँचती है, जहाँ पर कि हेमडाल उसका वेलकम करता है। और जेन वैलहेला में इसलिए पहुँचती है क्योंकि वो भी एक नॉर्स वॉरियर बन चुकी होती है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद मूवी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलूं आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।